Yes, very good morning to all of you. Students, today we learn about पत्र लेखन. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में कि पत्र क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं. बच्चे, पहले जब हमें अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाने होते थे, अपने किसी रिश्तेदार के पास, अपने किसी प्रियजन को या अपने किसी मित्र को, तो हम पत्रों के द्वारा अपने संदेश भेजते थे और उनके संदेश प्राप्त करते थे, है ना. लेकिन आजकल तो मोबाइल्स का ज़माना है, लोग मोबाइल पे मैसेज भेज देते हैं. लेकिन पहले जो थे, मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, तो पत्रों के द्वारा ही हम एक दूसरे का हाल जानकारी प्राप्त करते थे. यानी कि हमें एक दूसरे के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो पत्रों के माध्यम से ही प्राप्त होती थी. या कोई संदेश भेजना है तो भी हम पत्रों के द्वारा ही भेजा जाता था. तो बेटा, पत्र लेखन जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं. ठीक है, पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक. यानी कि पत्रों को लिखने का दो प्रकार से हम इस पत्रों को लिख सकते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक. आइए अब जानते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं. औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई करीब का रिश्ता नाता नहीं होता, फिर भी किसी कार्य को कराने, सुविधा उपलब्ध कराने का निवेदन हमें करना ही पड़ता है. इन सब कार्यों के लिए उन लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं. जैसे जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे आप स्कूल में आ रहे हैं और आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए, ठीक है, तो आप किसको पत्र लिखते हैं? प्रधानाचार्य को. तो अपनी किसी काम को करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, किसी कार्य को पूरा कराने के लिए हम जो पत्र लिखते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं. यानी कि जो एप्लीकेशन जो ऑफिशियली होते हैं लेटर्स, ठीक है, वो कहलाते हैं औपचारिक. जैसे सपोज आपके मोहल्ले में सफाई कर्मचारी आते हैं और सफाई नहीं करते, तो आप उनकी कंप्लेन करते हैं या शिकायत करते हैं कि यहाँ पर सफाई की सुविधा नहीं है, तो इसके लिए भी हम पत्र लिखते हैं, वो भी औपचारिक पत्र के माध्यम से लिखा जाता है. बिजली विभाग में लिखने के लिए, अपने पुस्तकें मंगाने के लिए संपादक को जो पत्र लिखे जाते हैं वो भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं. और औपचारिक पत्र में वे सारे पत्र आते हैं जो भी हम सरकारी कार्यालय में पत्र देते हैं या कोई एप्लीकेशन देते हैं. जैसे आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो वो भी औपचारिक पत्र में ही आती है, ठीक है. और औपचारिक पत्र में एक विशेष बात क्या होती है कि जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो इसमें हमें विषय लिखना जरूरी होता है. जब हम विषय नहीं लिखते तो ये हमारा जो पत्र होता है ये इनकम्प्लीट होता है. औपचारिक पत्र को सही लिखने का तरीका जो होता है, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं सेवा में, फिर जिस को पत्र लिखना है उसके बारे में लिखते हैं. सपोज आपने अपने स्कूल की प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है कि आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए, ठीक है, तो 2 दिन का अवकाश किसी भी कारण हो सकता है आपके घर में शादी हो, या आपको किसी फंक्शन में जाना हो, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या घर में कोई ज़रूरी काम है ना. तो औपचारिक पत्र में हम कोई भी लिख सकते हैं. तो इसमें आप क्या करेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य जी, 10th Century School घरौंडा, ठीक है. उसके बाद हम लिखते हैं महोदया. लेकिन महोदया लिखने से पहले हमें इसके विषय के बारे में लिखना है कि जो हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है. तो विषय में हम लिखते हैं 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ओके. जैसे पुस्तकें मंगानी है तो पुस्तकें मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है, सफाई कर्मचारी को पत्र. तो इस प्रकार विषय लिखना जरूरी होता है. अगर आप औपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखते तो आपका लेटर में से 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है. यानी कि 1 मार्क जो है विषय का होता है. तो इसलिए औपचारिक पत्र में विषय यानी कि सब्जेक्ट का लिखना बहुत जरूरी होता है.
कई बार क्या होता है बेटा, मान लो किसी ऑफिस में आप लेटर लिखते हो तो वहाँ पर कई डिपार्टमेंट के एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है। तो अब अगर इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि पूरी एप्लीकेशन पढ़े, वो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। वो सब्जेक्ट लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पर कई एप्लीकेशन सबमिट होती हैं। तो अगर हम औपचारिक पत्र में विषय यानी कि सब्जेक्ट को लिखेंगे तो वो सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाते हैं। ये होते हैं हमारे औपचारिक पत्र, यानी कि जो भी ऑफिशियली एप्लीकेशंस होती हैं या जो भी ऑफिशियली लेटर होते हैं उनको हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो होता है प्राय सगे संबंधियों, मित्रों, प्रियजनों को लिखे जाते हैं, यानी कि जो हमारे सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार जैसे मामा, चाचा, बुआ, ये सब, और मित्र, मित्र क्या होते हैं, दोस्त, जैसे अपने अपने फ्रेंड्स को लिखने हैं या किसी मित्र को लिखने हैं या किसी सहपाठी को अपने लिखने हैं, सपोज अगर क्लासमेट है उसको लिखने हैं, तो वो जो पत्र लिखे जाते हैं वो हम अपने मित्रों का या अपने प्रियजनों का, अपने सगे संबंधियों का हालचाल पूछने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। और अपने बारे में भी बताया जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे है, ठीक है, आपने अपने मित्र को निमंत्रण देना है, इनविटेशन देना है कि मैं अपना बर्थडे मना रहा हूँ और तुम मेरे बर्थडे पर जरूर आना। तो आप जो पत्र लिखेंगे वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। इसमें आप क्या लिखते हैं, सबसे ऊपर लिखेंगे प्रिय मित्र नमस्कार, ठीक है, उसके बाद कि अपने बारे में लिखेंगे कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ, और मैं जो है अपना जन्मदिन सपोज 20 मई को मना रहा हूँ और इस अवसर पर मेरे सभी दोस्त आ रहे हैं और मैं तुम्हें भी इस उत्सव में आमंत्रित करता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के कोई भी पत्र हैं या आपके परिवार में कोई शादी है, आपने शादी के में किसी अपने फ्रेंड को बुलाना है तो पत्र लिखना है, तो आप कोई भी इस प्रकार के पत्र लिखते हो तो वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें विषय नहीं लिखा जाता, क्यों, क्योंकि इसमें पर्सनली एक ही पर्सन को लेटर भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि उस पर्सन के पास हजारों पत्र होंगे, वो आप एक पत्र लिख रहे तो एक ही पत्र होगा। और इसके कुछ रूल्स नियम होते हैं, नियम होते हैं, तो अनौपचारिक पत्र में हम विषय को नहीं लिखते और औपचारिक पत्र में हम विषय को लिखते हैं। आइए अब पढ़ते हैं पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर एक, पत्र की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, यानी कि जब आप किसी को पत्र लिखते हो चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, यानी कि उसकी जो लैंग्वेज है सिंपल होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि उस भाषा को इजीली समझ पाए और उसको पढ़ पाए। तो भाषा जो आपकी सरल और सहज होनी चाहिए। नंबर दो, वाक्य छोटे छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि जब हम पत्र लिखते हैं तो सेंटेंसेस जो हमारे वाक्य थे छोटे छोटे होने चाहिए, यानी कि एक ही लाइन को पूरा करने के लिए आप 2 लाइनों का प्रयोग करें, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। और जो वाक्य वो लिखे जाएँ वो अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकें, यानी कि उनमें क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर तीन, विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, यानी कि जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय एक बात ध्यान रखनी है कि विराम चिन्ह जो होते हैं कि कहाँ पर अल्प विराम आएगा, कहाँ पर अर्ध विराम आएगा, कहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है। तभी वो पत्र जो है एक रुचिकर बन जाता है, यानी कि पढ़ने वाले को भी उस पत्र को मजा आता है। सपोज आप पत्र लिख रहे हैं और आप विराम चिन्हों का प्रयोग सही प्रकार से नहीं कर रहे तो उससे पत्र का अर्थ ही बदल जाता है, यानी कि उस वाक्य जो लिखे जाते हैं उसमें वो उनका अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए पत्र लिखते समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। कौन कौन सी, कि पत्र की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, और विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो बच्चों आज हमने विषय पत्र लेखन लिया,
जिसमें अब आप जान चुके होंगे कि पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं और पत्र को लिखने का तरीका क्या है, पत्र कितने प्रकार के हैं। ठीक है, अब आप इस विषय को अच्छे से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।